एक और बहुत सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, यूट्यूबर क्यों बनना है? पैसा। मैं यूट्यूबर बनूंगा पैसा कमाने के लिए, मैं यूट्यूबर पैसा सोच के आते हैं लोग कि यहाँ पर बहुत पैसा है, चलो आ जाओ। अभी क्या हुआ रिसेंटली आपको बताता हूँ, मतलब उनको अपॉर्चुनिस्टिक लोग बोलते हैं कि अगर मैं, दो तरह के लोग हैं जो सिर्फ पैसा सोच के आते हैं यूट्यूब पे, सिर्फ पैसा सोच के आओगे आप ग्रो नहीं कर पाओगे, आप सिर्फ पैसा सोच रहे हो। बहुत से आप सोचिए कि मैं 2017 में मैंने क्या किया, जरा आप सोचो 2017 में मैंने 17-18 से मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू कर दिए थे, शॉर्ट वीडियोस, तब यूट्यूब का कोई शॉर्ट प्लेटफॉर्म आया भी नहीं था, 2020 में शॉर्ट्स आया था, 2 साल पहले मैंने शॉर्ट्स बनाने शुरू किए थे, आई वॉज नॉट दी अपॉर्चुनिस्टिक, ठीक है, मैंने उस चीज को भांप लिया था कि माइक्रो वीडियोस का भविष्य है, छोटी वीडियो बहुत चलेंगी, और मैंने मेहनत 2 साल पहले शुरू कर दी थी, तब यूट्यूब शायद सोच भी नहीं रहा होगा कि हमें भी कभी शॉर्ट प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करना है, 2020 में शॉर्ट्स आया था, लेकिन 2020 में शॉर्ट्स आया, शॉर्ट्स पे भी काफी लोगों ने शुरू किया, जब अनाउंसमेंट हुई कि चलो हम लोग शॉर्ट शुरू कर रहे हैं, लोगों को देख के लोगों ने शुरू किया, ठीक है वो भी चलो ठीक है, लेकिन मेरे को अफसोस तब होता है जब यूट्यूब ने 100 करोड़ का बोले कि हम लोग 100 करोड़ रुपया शॉर्ट्स के प्लेटफॉर्म वालों को अनाउंस करते हैं, जब वो अनाउंसमेंट हुई तब अपॉर्चुनिस्टिक आए, उनको बोलते हैं बारिश में, यू नो बारिश जो होती है ना, तो चलो बाहर आ जाते हैं बहुत सारे जीप, तो 100 करोड़ रुपए का सुन के लोगों ने शॉर्ट शुरू कर दिए, तो आप मनी ओरिएंटेड होकर शुरू कर रहे हो कंप्लीटली, आपका खुद का कुछ नहीं है, आपने सोचा कि मां 100 करोड़ रुपए, ओहो 100 करोड़ रुपए मिल रहा है तेरे, शायद हमें भी मिल जाए, चलो शॉर्ट्स बनाते हैं, मनी ओरिएंटेड होकर आओगे ना तो फायदा उसका नहीं मिलने वाला है, बिल्कुल नहीं मिलने वाला है। जो लोग मनी ओरिएंटेड होकर आते हैं, मैं आपको आपको फ्रीली बता देता हूं, अगर 100 करोड़ का पैकेज यूट्यूब ने अनाउंस भी किया है तो इसका मतलब ये नहीं है जो शॉर्ट्स बना रहे हैं उनको पैसा मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये गलत फहमी में हो। 100 करोड़ जो इशू हुए हैं यूट्यूब की तरफ से, यूट्यूब इंडिया शॉर्ट्स के लिए, वो एक्चुअली शॉर्ट्स की प्रोग्रेस के लिए वो लोग खर्च करने वाले हैं, उसकी एडवर्टीजमेंट के लिए खर्च करने वाले हैं, ताकि अच्छे अच्छे क्रिएटर आ सकें, वो दैट के थ्रू यू हैव टू वर्क हार्ड, यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत सारे क्रिएटर्स हैं। सो ऐसा नहीं है जो आप सोच रहे हो, मनी ओरिएंटेड सोच के आते हो, बारिश के जो जीव होते हैं सिर्फ बारिश में ही आते हैं, हाँ चलो मजे लेने चलते हैं, वो सक्सेसफुल नहीं होते, वो सक्सेसफुल होते हैं जो बारिश थी नहीं थी, अकाल पड़ रहा था तब भी मेहनत कर रहे थे, ठीक है। और मैंने ये करते देखा है लोगों को, क्योंकि मैं भी उसमें से एक था, मैं शुरू में जब यूट्यूब में तो कैरी मिराटी, भुवन बाम, यू नो टेक्निकल गुरुजी, या फिर हमारे कविताज किचन, और ये जो सीजल, ये जितने इनिशियल नाम है, मोस्टली सेन, ये जितने भी लोग थे वो शुरू से यूट्यूब के साथ जुड़े हुए हैं, समझ में आ रहा है, ये वो नहीं थे अपॉर्चुनिस्टिक लोग नहीं थे, वो शुरू से थे, बाद में जब फेमस होने लगा तो लोग आने लगे। तो पैसों को सोच के, फेम को सोच के मत आओ, आपका टैलेंट क्या है उसको सोच के आओ, वो आपको